वैसे तो बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार जिस फिल्म में आ जाएं वो समझो सुपरहिट ही है। अक्षय की फिल्म गोल्ड अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है और अब वो अपने आने वाली फिल्म केसरी की शूटिंग में व्यस्त हैं। अक्षय ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और हर फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि उन्होंने एक बड़ी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें उस ऑडिशन के बाद फिल्म से निकाल दिया गया था तो ये बात शायद आपको हजम ना हो, लेकिन ये बात एकदम सही है। आज अक्षय भले ही सुपरस्टार हों लेकिन उनके सुपरस्टार बनने का रास्ता इतना आसान नहीं रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने उन फिल्मों का जिक्र किया जिससे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम था आमिर की सुपरहिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर का। अक्षय कुमार ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था। ये ऑडिशन शेखर मल्होत्रा के किरदार के लिए था, लेकिन उन्हें मेरी एक्टिंग बकवास लगी थी इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। आखिर में ये किरदार निभाया दीपक तिजोरी ने। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान को इस किरदार के लिए अक्षय कुमार कुछ फिट नहीं लगे थे और उन्होंने अक्षय को रिजेक्ट कर दिया था। वरना सोचिए 25 साल पहले ही अक्षय कुमार और आमिर खान एक साथ एक फिल्म में दिख चुके होते। खैर आमिर खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म को आज भी काफी पसंद किया जाता है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।